अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं पाक पंजाब टेलर को। तो आज हम आपको सैंपल शलवार की कटिंग के बारे में बताएंगे। अगर कपड़ा कम हो तो सैंपल शलवार की कटिंग कैसे करते हैं, तो हमारे साथ रहना। आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि शलवार की जो लेंथ है ना, वो 36 इंच है, 36 इंच, 5 7 इंच है। शलवार का घेरा, हाफ जो घेरा है 20 इंच है, फुल जो है 40 इंच है। तो आइए कटिंग करते हैं शलवार की। ये कपड़ा है हमारे पास शलवार का, देखो इस सिंगल में। अब इस कपड़े को ऐसे आपने डबल करना है, ऐसे कपड़े को आपने डबल कर लेने। देखो ये हमारा कपड़ा डबल हो गया। आपने हाथ मार के इसको बिठा के इसी लगा देनी है। अभी इसकी हम लाइन लगाएंगे इधर। लाइन लगाने के बाद इधर हम दो पे निशान लगाएंगे और इधर भी दो पे निशान लगाएंगे। इधर इधर लाइन हमने लगाई थी ना, ये आपको मैंने दिखाई, अभी इधर लाइन लगानी है ताकि वादा नजर आए। अभी इधर से मैच करेंगे हम। देखो जैसे ये 36 है, वही देखो अभी इधर हम निशान लगा देते हैं 36 पे और इधर भी निशान, इधर हम 36 पे निशान लगाएंगे। इधर इसकी लाइन लगाएंगे और इधर भी 2 इंच का निशान लगा के पांचा फोल्डने के लिए लाइन लगा देंगे। और पांचा हमारा है कितना, 7 इंच। तो ये 7 पे पहले निशान लगाया, दूसरा 8 पे निशान लगा दिया। देखो 7 पे, ये फिर 8 पे। अभी हम शलवार का घेरा देख लें। शलवार का घेरा हमारा कितना है, देखो शलवार का घेरा हमारा था 20 इंच, सही है। अभी आपने हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो इधर, देखो ये 20 पे निशान, हम इधर 20 पे निशान लगाते हैं। इधर से आसन नापेंगे हम, आसन देखो ये इधर भी निशान 2 पे लगा देते हैं, फिर इधर से इंची टेप रख के इधर 16.5 पे निशान लगाते हैं। कितने पे, 16.5 पे। अभी इधर जो हमने निशान लगाया था ना, ये देखो ये इधर से स्क्वायर को रखेंगे और 5 तक जो निशान लगा हुआ हमारा, इधर हम लाइन लगा देंगे। देखो हमने लाइन लगा दिए, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और इधर ये हम टुकड़ा लगा देंगे, ये हमारा टुकड़ा लग गया। और इधर से भी ऊपर से भी फालतू कपड़े को हम काट देंगे, इधर से हम फालतू कपड़े काट दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, इधर आसन की तरफ जोड़ डालने, इस कन्नी वगैरह को थोड़े बहुत काट लें ताकि साफ हो जाए, सर वगैरह ना आए। देखो ये इसकी हमने कटिंग कर ली है। अभी इधर हम जोड़ लगाएंगे। जोड़ डालने का तरीका आपको बताते हैं कि कैसे डालते हैं। देखो इसका ये कपड़ा हमारे साइड से निकला है, इस कपड़े को आपने सिंगल करके ऐसे आपने करने। ऐसे कपड़े को डबल कर लेने। क्या करना है, ऐसे डबल करने के बाद इसके ऊपर जोड़ के ऊपर आप इसी लगा दें।
ये आपने जोड़ लगा दिया, रख दिया। अभी इसके हम इधर लाइन लगा देंगे और इधर भी लाइन लगा देंगे नेपा फोड़ने के लिए। इधर से हम नाप लेंगे आसन, देखो आसन हमने रखना है 16 इंच, कितना 16 इंच, 16 पे निशान लगा देंगे और इसको इधर इस कटिंग के साथ मिला देंगे। इसकी अपनी इधर से ऊपर से फालतू कपड़े को काट देना है और इधर मैं आपको लाइन लगा दूं, इसी लाइन के ऊपर आपने कटिंग कर लेनी है। ये देख सकते हैं हमारी शलवार की कटिंग हो चुकी है। इधर मैं वाजा निशान लगा दूं, ये हमारा नेपा फोड़ने के लिए है और ये जो है ना पांचा फोड़ने के लिए है और ये हमने जोड़ लगा दिया। ये देख सकते हैं ये हमारे 4 पीस हैं। इधर से दरमियान से मैं कटिंग कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं। हमारा जोड़ भी कट चुके हैं, ये पांचा हमारा है 7 इंच, ये देखो 7 इंच पांचा है हमारा। ये हमारी सलवार कट चुकी है। अभी आपको समझ आ गया होगा कि हमने सलवार की कटिंग की है, सादा सलवार की कटिंग कैसे की है, उसके जोड़ कैसे लगाया है और निशानात कैसे लगाए हैं, तो हमने बड़ा तफसील से आपको बता दिया। जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।